सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। राजस्थान में चल रही राजनीतिक उठापटक को लेकर कांग्रेस नेता का बड़ा बयान सामने आया। आपको बता दें, गहलोत बड़े नेता हैं लेकिन पार्टी से सबसे बड़े नहीं, गांधी परिवार से बड़े नहीं। और अगर वह सोच रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और राजीव गांधी परिवार के सामने झुकेगा नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि कोई विधायक पार्टी को छोड़कर नहीं जा रहा, यह कुछ लोगों की कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। इसी पर कांग्रेस पार्टी को गंभीर और सख्त कदम उठाते हुए एक ठोस निर्णय लेना होगा। कि अशोक गहलोत जी बहुत बड़े नेता हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी से बड़े नहीं है, कांग्रेस नेतृत्व से बड़े नहीं है, ये तो खुली बगावत है। राजस्थान में मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन जी की तोहिन नहीं हुई है, उनका अपमान नहीं हुआ है, तो कांग्रेस लीडरशिप का अपमान है। और किसी भी नेता को ये याद रखना चाहिए कि ये गांधी परिवार है, ये नरेंद्र मोदी से नहीं डरता तो इनसे क्या डरेगा। रायबरेली में प्रदेश सरकार भले ही गरीबों को पीएम आवास दिलाकर लाभान्वित करने का दावा कर रही हो, लेकिन अभी भी बहुत से गरीब परिवार इस योजना से वंचित हैं। बरसात के महीने में पुराने मकानों में रहने को लोग मजबूर हैं। बारिश से बचने के लिए कई परिवारों को पॉलीथिन या दूसरे की छत का सहारा लेना पड़ रहा है। आवास से वंचितों में से एक महिला जिसके पास कोई जमीन नहीं है, झोपड़ी बनाकर जीवन यापन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए लगातार अधिकारियों से आवास के लिए गुहार लगा रहे हैं। आखिर कब मिलेगा इन गरीब महिलाओं को आवास, या यूं ही कहें कि आवास के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। नहीं बोले हैं ना प्रधान से, बोले कि हाँ मिलेगा। प्रधान क्या बोले? बोले मिलेगा, लेकिन अब तक आपको आवास नहीं मिला? नहीं। कितने बच्चे हैं आपके? 6। क्या काम करते हैं आप लोग? हम लोग मजदूरी करते हैं, बेला टिकाई। अच्छा, ये आपका मकान कच्चा है, आप कब से यहाँ रह रहे हैं, कितने साल से? 4 साल से। आपने कभी प्रधान से नहीं कहा कि मेरा मकान कच्चा, आप मुझे मकान दीजिए? कहा है। क्या बोले हैं प्रधान? बोले कि अभी नहीं मिलेगा, घर आ ही मिला। आपके घर कच्चा है, आपको मकान नहीं मिला क्या? कहाँ मिला है बच्चा। आपने कोई प्रधान से नहीं कहा क्या कि हमारा है? तो नहीं कहा है बेटा, वह नहीं आए। प्रधान क्या कहते हैं? कहीं चलो आए थे, दिया खब अब आ जो नहीं आए। प्रधान से कहे ना, प्रधान सुनते नहीं ना। प्रधान नहीं सुनता है? सिक्रेटरी वगैरह से कभी ऑनलाइन वगैरह नहीं कराया क्या? नहीं, एक फेरा करान रहा है यहाँ, कतौ को सुनवाई नहीं ना कौन। कब से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? अरे यहाँ तो हो गए हैं सर 50 साल। खबर रायबरेली से, जहाँ गांव को स्वच्छ बनाने की मुहिम पर जोरदार जिम्मेदार अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। वहाँ गांव में 2 साल बीत जाने के बाद भी सामुदायिक शौचालय में ताला लटका रहा है और पूरा गाँव में चारों ओर गंदगी फैली हुई है। साथ ही मनरेगा के तहत होने वाली नियुक्ति पर भी सवाल उठने जा रहे हैं। खबर प्रतापगढ़ के साहब अतेरू गांव से, जहां आज आगामी कोर्ट के चयन को लेकर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया है। लोगों का आरोप है कि ग्राम सभा में इसके पूर्व समूह द्वारा कोटे का चयन किया गया था, जिसमें कोटे को लेकर आए दिन विवाद हो रहा था। उसी विवाद के चलते कोटा निरस्त हो गया, जिसको लेकर फिर कोटे का चयन होना था। वहीं ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि कोटे का चयन ग्रामीणों के कोर द्वारा कराया जाए, जिसकी शिकायत खंड विकास अधिकारी और SDM कुंडा और आपूर्ति निरीक्षक समेत आला अधिकारियों से करने की बात भी कही गई। हम लोग इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हमारे यहाँ 29 नव को कोटे का चुनाव होने जा रहा है। ना अभी तक कोई इसके पूर्व कोई सूचना दी गई, ना कोई एजेंडा घूमा। 1-2 दिन पहले वो बिलाहर के द्वारा सूचित लोगों को किया गया कि चुनाव है, लेकिन चुनाव किस आधार पर होगा, कैसे होगा, क्या शर्तें हैं, क्या नियम है, क्या कानून है, उसको किसी को भी बताया नहीं गया ग्राम सभा में। इसलिए हम लोगों की मांग है कि कोटे का चुनाव समूह के द्वारा ना हो करके जनता के द्वारा हो।
खबर हरदोई से, जहां शिवपाल सिंह जन कल्याण समिति के नेतृत्व में आयोजित मिशन संतुष्टि आत्मसंतुष्टि के संचालन ने नवरात्र के अवसर पर बताया कि मानसिक रूप से बीमार बहन ने सुंदर बच्ची को जन्म दिया। उन्होंने बताया कि ऐसा दंपति जिनके जीवन नहीं है, जिनके बच्चे नहीं हैं, संस्था उन्हें बच्चा गोद दे सकती है। बता दें कि संस्था मानसिक बीमार बहनों की देखरेख के अलावा अन्य सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। खबर गाजियाबाद से, जहां एयर होस्टेस ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन किया गया, वहीं राज्य मंत्री नरेंद्र कुमार कश्यप और मंत्री कैप्टन विकास गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। साथ ही उन्होंने बताया कि अब एयर होस्टेस की ट्रेनिंग के लिए दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं है। RDSE स्थित एयर होस्टेस एकेडमी में उच्च स्तरीय फैकल्टी मौजूद है। उद्घाटन क्या, मैंने उद्घाटन तो भाई साहब से कराया, ये तो मैंने एक अकेडमी खोली है कि जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि भाई मैं ये चाहता हूँ हर मिडिल क्लास से लेकर हाई क्लास तक का बच्चा इस अकेडमी को ज्वाइन कर सके। एजुकेशन लंदन में कंप्लीट हुई थी, उसके बाद में फिर मैंने बहुत सारे एयरलाइंस में काम किया है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे और डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म पे। और ये फॉर्च्यून एविएशन एक एविएशन कॉलेज का एक हब है जो हम लोग ने गाज़ियाबाद में लॉन्च किया है। अभी न्यू हमारा ये ब्रांच गाज़ियाबाद में ओपन हुआ है। हमारे पास कोर्सेज है, डिफरेंट डिफरेंट कैबिन क्रू है, ग्राउंड हैंडलिंग है, एयरपोर्ट ऑपरेशंस है, पायलट ट्रेनिंग है और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग है हमारे पास। और हमारे पास इंडिया से ही नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी हमारे पास बहुत सारे कंपनीज जुड़ के काम करते हैं हम लोग। मुझे बड़ी खुशी है कि नौजवानों को रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाना और एक ऐसे सेक्टर में उपलब्ध करवाना जो आगे भविष्य का बहुत बड़ा सनराइज सेक्टर है। उसमें हमारे आदरणीय सत्येंद्र त्यागी जी ने बहुत बड़ा साहस किया है गाज़ियाबाद में इस अकेडमी को खोलने का। मुझे बड़ी खुशी है कि आस पड़ोस के लोगों को बड़ा बेनिफिट मिलेगा और जो अब तक बच्चे ट्रेनिंग लेने के लिए गुड़गांव, पुणे या बॉम्बे या चंडीगढ़ जाते थे, उन बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा अवसर कम खर्चे में और कम फीस पर यहाँ पर फॉर्च्यून एविएशन उपलब्ध कराएगी। बहुत नौजवान बच्चों की ख्वाहिश होती है, इच्छा होती है पायलट बनने की, एयर होस्टेस बनने की, लेकिन इन दोनों ही जगहों पर पहुंचने के लिए सुगमता के साथ ट्रेनिंग सेंटर नहीं मिलते हैं। गाज़ियाबाद जैसे शहर में RDSE में अगर फॉर्च्यून एविएशन ने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोला है तो मैं समझता हूँ कि ये गाज़ियाबाद भर के लिए ही नहीं बल्कि तमाम युवाओं के लिए एक बहुत खुशी का समाचार हो सकता है। संभल में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने प्राचीन तीर्थ कुरुक्षेत्र मंदिर पर लगने वाले मेले और नगर पालिका मैदान स्थित आयोजित रामलीला ग्राउंड का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने कुष्ठ सेवा आश्रम के आवासीय भवन का पुनरुद्धार करने के लिए भूमि का पूजन कर नींव रखी। लोग अपनी श्रद्धा से इसको तैयार करवा रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ रहने वाले लोग अच्छे से अपने जीवन यापन कर सकेंगे और उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में सभी धर्म के धर्मगुरुओं की प्रतिभाग किया है। उन्होंने नगर पालिका के मैदान में आयोजित रामलीला ग्राउंड का भी निरीक्षण किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष समेत कई नेता मौजूद रहे। पुराना कुष्ठ आश्रम संचालित था काफ़ी लंबे समय से, जो अब काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो चुका था। यहाँ पर लगभग 10-12 कुष्ठ परिवार रहते हैं और अपना जीवन का गुजर बसर यहीं पर करते हैं। पिछली बरसातों में यहाँ पर जो उनके टीन शेड वगैरह थे वो उखड़ गए थे और उनको मरम्मत करवाई गई थी। यहाँ के जो SDM हैं विनय मिश्रा, उनकी पहल पर और यहाँ के बहुत सारे संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा जनपद संभल के और विशेष रूप से संभल शहर के, उन्होंने इसमें एक बहुत ही नेक मुहिम उठाई है। इस पूरे कुष्ठ आश्रम को वो दोबारा से बनवा रहे हैं। आज उसी का शुभारंभ था, भूमि पूजन था। मैनपुरी जनपद के बेवर कस्बा नवीगंज स्थित गमा देवी मंदिर के 9 दिवसीय अमृतमयी श्री मद भागवत कथा का आयोजन किया गया। भागवत कथा शुरू होने से पहले कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में बाजार का भ्रमण कर महिलाएं और युवती सिर पर कलश रखकर भागवत कथा स्थल पर तक पहुंची हैं, जहां कलश की विधि विधान से पूर्वक अर्चना के साथ कथा पंडाल में स्थापित किया गया। आपको बता दें कि इस अमृतमयी कथा 9 दिन तक चलेगी। वहीं इस कलश यात्रा के दौरान मंदिर पुजारी समेत कई अन्य लोग मौजूद रहे। आज नवरात्र का पहला दिवस है,
तो उसमें श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है सभी क्षेत्र और ग्रामवासियों के सहयोग से माता गंगा देवी मंदिर के प्रांगण में। तो आज उसका पहला दिवस है और कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ है। कलश यात्रा में कितने लोगों ने भाग लिया? इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष सम्मिलित हुए। खबर कुशीनगर से, जहां पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में गुमशुदा मोबाइल बरामदी के संबंध में कार्रवाई करते हुए 70 मोबाइल सर्विलांस सेल ने की टीम ने बरामद किए हैं। वहीं सभी मोबाइल आवेदकों को बुलाकर उन्हें सपुर्द कर दिया गया। जनपद कुशीनगर के अंतर्गत सर्विलांस सेल ने एक सराहनीय कार्य करते हुए विगत कई दिनों में जो खोए हुए मोबाइल थे उनको बरामद किया गया है। इन मोबाइल की संख्या लगभग 70 है और इनकी बाजार कीमत करीब 10 लाख रुपए से अधिक है। विभिन्न थाना क्षेत्रों में और ऑफिस में जो प्रार्थना पत्र लोगों ने दिए थे कि उनके मोबाइल गुम हुए हैं, उन्हीं को ट्रेस करके आज उनकी रिकवरी की गई है और उन सारे जो मोबाइल के स्वामी हैं उनको बुला के उनको मोबाइल हैंडओवर किया गया है। सर्विलांस टीम के इस सराहनीय कार्य के संदर्भ में मेरी तरफ से उनको 20,000 रुपए के पुरस्कार की घोषणा भी की गई है। खबर हरदोई से, जहां सीएम के निर्देश पर लगने वाले जनता दर्शन पर नवनियुक्त जिलाधिकारी कार्यालय से नाराज रहे। कुछ दिन पहले जिलाधिकारी ने एसडीएम को निर्देश दिए थे कि सभी विभागों में कार पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित होने और नालियों की साफ सफाई के संबंध में निर्देश जारी किए थे। वहीं अब जिलाधिकारी पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। खबर गाजियाबाद से, जहां पुलिस प्रशासन ने मादक पदार्थों के तस्कर की भू संपत्ति कुर्क की है। आपको बता दें कि पुलिस ने जामिया थाना क्षेत्र के बेटावल गांव में कुर्की की कार्रवाई की है। पुलिस ने तस्कर की 80 लाख की भू संपत्ति कुर्क कर ली है। कुख्यात तस्कर रईस गैंग का सक्रिय सदस्य है। थाना जमानिया में मुकदमा अपराध संख्या 122/2022 गैंगस्टर एक्ट दर्ज किया गया था। इस गैंग में 4 सदस्य हैं। ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है। इसमें से एक गैंग मेंबर है अंकित राय, उसकी प्रॉपर्टी आज धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क की जा रही है। इस प्रॉपर्टी की जो कीमत है, मार्केट वैल्यू है, वो लगभग 80 लाख रुपए है। और ये जो गैंग है, ये अपराध द्वारा जो है अपनी कार्य करके, अपराध करके और अन्य तरीकों से प्रॉपर्टी अर्जित करता है। इनके द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी की जाती है। अलीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन के गभाना के तहसील अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारियों ने तहसील में पहुंचकर उप जिलाधिकारी को किसानों की मौसम बरसात के कारण किसानों की फसलों में हुए नुकसान की जांच कराकर मुआवजे दिए जाने के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें किसान जिला अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं उप जिलाधिकारी ने किसान पदाधिकारियों का ज्ञापन लेकर पदाधिकारियों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस समस्याओं का समाधान किया जाएगा। में आए कि जो हमारे गरीब जो किसान हैं, पहले तो सूखा ग्रस्त थे, परेशान थे, अब इंद्र देवता की ऐसी मेहरबानी हुई कि अब पूरा बाढ़ से पीड़ित हो गए। हमारे किसानों का पूरे क्षेत्र में जो धान की फसल थी बिल्कुल बेकार हो गई, बिल्कुल काली पड़ गई और उसमें कीड़े लग गए। पूरा किसान परेशान हो गया है, दाने दाने को परेशान है। तो माननीय एसडीएम महोदय के पास हमारे तमाम अलीगढ़ के पदाधिकारी, तमाम तहसील के पदाधिकारी आज ये कहने के लिए आए कि अपने अधीनस्थ अधिकारी को भेज के, लेखपाल पटवारी को भेज के आप वहाँ इंक्वायरी करा लें, आप जांच करा लें और हमारे किसानों का जो नुकसान हुआ है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, और उनको हमारे मुआवजा दिलाने की कष्ट करें, कृपा करें। खबर हरदोई से, जहां एक युवक अवैध असलाह लेकर दूसरे समुदाय के घर में घुस गया। वहीं पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर इस एक प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें दो समुदाय का जिक्र करते हुए कार्रवाई करने का आरोप लगाया। बता दें कि पुलिस ने अवैध असलाहधारी युवक को NSA के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थानापाली में एक घटना हुई थी जिसमें कुछ युवक एक दूसरे युवक के घर में घुसकर उन्होंने अभद्रता करी और उसी के दौरान एक मुलजिम मुन्ना और शहनवाज का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो दोनों हाथों में अवैध तमंचा लिए चहलकदमी कर रहा है, लोगों को डरा रहा है। इसी के ठीक बाद इन लोगों द्वारा पथराव किया गया और भी तमाम घटनाएं की गई, जिससे कि
लोक व्यवस्था भंग हुई और दहशत का माहौल व्याप्त हुआ। इस अन्य व्यक्तियों के साथ साथ इस अभियुक्त को दो दिन बाद ही पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था और इसके द्वारा जो कृत्य किया गया इसके लिए इसको एनएसए के तहत कल पाबंद कराया गया। राजधानी लखनऊ में मध्य सर्विलांस सेल टीम को बड़ी सफलता मिली है, जहां सर्विलांस सेल पुलिस उपायुक्त मध्य जोन द्वारा लोगों को खोए हुए 51 गुमशुदा फोन बरामद कर उन्हें सौंप दिए गए हैं। आपको बता दें कि मध्य जोन के कई थाना क्षेत्र से मोबाइल गुमशुदगी दर्ज की गई थी, जिसमें सर्विलांस पर लगाकर बरामद किया गया है। वहीं बरामद किए गए मोबाइल फोनों की कीमत लगभग 12 लाख रुपये बताई जा रही है, जिसमें विभिन्न कंपनियों के कुल 51 फोन बरामद हुए हैं, जिन्हें पुलिस उपायुक्त मध्य जोन उनके वास्तविक मोबाइल धारकों को दिए गए। जिनकी लॉस्ट रिपोर्ट या गुमशुदा होने की रिपोर्ट हमारे पास दर्ज कराई गई थी विभिन्न थानों से, और जो यहाँ पर सेल बना हुआ है हजरतगंज पुलिस स्टेशन में, उसके माध्यम से उन सभी 51 फोन्स को रिकवर किया गया है। और आज उनके जो मोबाइल ओनर्स हैं उनको भी हमारे द्वारा बुलाया गया है। तो शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन पर मध्य जोन की टीम द्वारा सभी ओनर्स जो 51 फोनों के हैं उनको आज उनके जो फोन्स हैं वो भी वितरण करने के लिए सभी लोगों को बुलाया गया है। इन 51 फोन्स की अनुमानित मार्केट की कीमत लगभग 13 लाख रुपये है, और इसमें जो हमारी सर्विलांस की टीम है उसके द्वारा ये रिकवरीज की गई। रायबरेली सीएससी में हड़कंप मच गया जब एसडीएम औचक निरीक्षण पर निकले और उन्होंने सीएससी में पहुंचकर जांच की और वहां गंदगी देखकर डॉक्टरों को फटकार भी लगाई। जब एसडीएम पहुंचे तो मौके पर अधीक्षक नदारद मिले और उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए दिशा निर्देश दिए कि व्यवस्था बदहाल दिखी, जिसको लेकर उन्होंने निरीक्षक से बात की और व्यवस्था को ठीक करने के निर्देश भी दिए। आज अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया मेरे द्वारा और यहाँ पे एक दो कमियाँ जो मुझे दिखी, जैसे कुछ वार्ड में पंखे नहीं थे, जैसा यहाँ अधीक्षक महोदय द्वारा बताया गया कि पंखे सब अभी बनने के लिए गए हैं और एक हफ्ते पहले गए हैं, एक दो दिन में आके लग जाएंगे। कुछ वार्डों में जैसे मुझे जहाँ साफ़ सफाई के मामले में जैसे चद्दर साफ़ नहीं दिखे तो उसके लिए भी मैंने निर्देशित किया है। इन्होंने कहा कि एक दो दिन में नए चद्दर मंगवा के नए चद्दर डलवा दिए जाएंगे, और कहीं कहीं अगर वार्डों पे जैसे लाइट की कमी, प्रकाश की व्यवस्था में कमी दिखी तो उसके लिए भी मैंने निर्देशित किया है, ये भी ये लोग सही कर। खबर देवरिया से, जहां शुगर मिल ग्राउंड पर आए दिन नशे में दूर शराबी राहगीरों के साथ गाली गलौच और महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं। वही शराबियों को मना करने पर वह उससे मारपीट करने लगते हैं। साथ ही पूरी घटना की शिकायत सीएम के पोर्टल पर स्थानीय थाने में किए जाने के बाद अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। मेरे मोहल्ले में, फील्ड में, शुगर मिल में बहुत सारे बच्चे अनावश्यक इकट्ठा हो जाते हैं और सारे मोहल्ले वासी छोटे छोटे बच्चों को, जो मेरे मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे हैं अभी जिनकी उम्र अभी 18 से भी कम है, उनको ले जाके नशा कराते हैं, वहाँ का माहौल ख़राब करते हैं, वहाँ की महिलाओं को छेड़ते हैं, वहाँ के आने जाने वाले वासियों को बहुत इससे दिक्कत है। उसके बाद जब ये सब हुआ मैं वहाँ से तुरंत 112 एमरजेंसी से कॉल किया, मैं वहाँ पर पुलिस से सहायता लिया, फिर मैं अगले दिन गया और कोतवाली में यहाँ पर मैंने थानाध्यक्ष को एप्लीकेशन लिख के दिया कि ऐसे ऐसी चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं, वहाँ की चीज़ों को रोका जाए और वहाँ पे सख्त कार्रवाई की जाए। प्रशासन को ये मालूम होते हुए भी वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं। अलीगढ़ थाना ससनी गेट के पास मोहल्ला करीपांडा रंग महल की रहने वाली महिला का आरोप है कि कुछ दिन पहले बारिश होने की वजह से छत गिर गई थी, जिसमें वह बाल बाल बच गई। महिला उस कोठारिया के पीछे 50 वर्षों से रह रही थी। वहीं महिला ने बताया कि मकान मालिक से मिलकर अवैध कब्जा कर लिया, मेरे साथ वह मेरी बेटी के साथ मारपीट की अश्लील हरकतें करने लगे, जिसका मैंने विरोध किया तो जान से मारने की धमकी देने लगे और मुझे मेरे ही कोठरिया से मारकर भगा दिया, जिसके बाद महिला थाने गई। और साथ ही महिला का कहना है कि थाने में भी पुलिस ने मेरी कोई मदद नहीं करी, जिसके बाद एसएसपी ने कोठरिया को वापस दिलाने जाने की गुहार लगाई गई। मेरे साथ में, मैं 50 साल की रहने वाली हूँ और मेरी छत गिर गई थी, तो इन लोगों ने मेरी लड़की के संग बहुत मारपीट करी, मेरी लड़की को आसपास के लड़के खींच के ले रहे, तो मेरी लड़की से फाड़ दी। मैं आज तक कुछ कह नहीं सकती हूँ कैसे मेरी बच्ची का हाथ भगवान करा है, और मुझे छत भी नहीं डालने दे रहे। मैं अपनी जवान बच्चियों को कहाँ ले देता हूँ,
तो पुलिस पे आपने कंप्लेंट करी? करी थी मैंने, मगर मेरे थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई। खबर अलीगढ़ से, जहां बांग्लादेश में पेट्रोलिंग के दौरान एक जवान हादसे का शिकार हो गया, जिसमें एक गंभीर अवस्था में गुवाहाटी अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है, जहां उसकी मौत हो गई। अधिकारियों की देखरेख में शहीद के शव को गांव में लाकर अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं सांसद राजवीर दिलेर ने शहीद के परिवार को 10 लाख रुपये और गाँव के में शहीद की समाधि बनाने का आश्वासन भी दिया। देखिए, जो शहीद हुए वो इंडो बॉर्डर असम में उदल सिंह शहीद हुए और मेरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता गांव महुआ खेड़ा, वहाँ के शहीद हुए। मैं भी मौके पर पहुंचा था और बड़े सम्मान के साथ हमने विदा भी किया अपने शहीद जवान को, और हम इतना बोल के भी आए कि वहाँ उनका समाधि स्थल और गेट और रोड की जनता की डिमांड थी, वो रोड भी वहाँ बनवाएंगे उनके नाम का। इंडो बांग्लादेश बॉर्डर जो इंडिया बांग्लादेश की सबसे लास्ट पोस्ट है, परवा नाम है उसका, यहाँ पर ट्रेंगल भी बनता है, बर्मा बांग्लादेश और इंडिया का ट्रेंगल पिलर भी है वहाँ जी। उस एक्सट्रीम हार्ड एरिया में ये ऑफ ड्यूटी में थे जी, पेट्रोलिंग से आ रहे थे, आते समय इनका पैर फिसला, पैर फिसलने से ये उल्टा गिरे जी, तो इनके गर्दन और रीढ़ के नीचे कोई पत्थर आया जी, जिस वजह से इनका बैकबोन ब्रेक हो गया जी, और इनके यहाँ भी काफ़ी चोट आई जिससे वो अनकॉन्शियस हो गया वहाँ। तुरंत ही हमारे जवानों ने उनको उठा के हमारे हेडक्वार्टर में सूचना दी जी सीओ सर को, उन्होंने बहुत ही इमरजेंसी में बहुत ही जल्दी एक्शन करके हेलीकॉप्टर भिजवाया। शाहजहांपुर महानगर बनने के बाद कई तरीके के उद्योग भी स्थापित हो रहे हैं। इसी क्रम में जिले में पहला एक शोरूम खुला है, जिसमें सीधे सूरत की साड़ियों की फैक्ट्री से माल खरीदकर उचित दामों पर उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया गया है। महानगर के गुजड़ी बाजार में प्रोपराइटर वीरपाल के कृष्णा साड़ी सेंटर का उद्घाटन उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के महानगर अध्यक्ष और जिला महामंत्री के संयुक्त रूप से फीता काट कर किया, और साथ ही 2000 रुपये की खरीद पर 50% की फाइनेंस करने की स्कीम भी दे रहे हैं। यह उन लोगों के लिए बहुत कारगर साबित हुआ जिनके मन में शादी और अन्य कार्यक्रमों में खर्च करने की इच्छा तो है लेकिन धन का अभाव है। कृष्णा साड़ी सेंटर गुजली बाजार वीरपाल सिंह जी का प्रतिष्ठान का पुनरुद्घाटन किया गया है, और इसमें इन्होंने सूरत के कंपनी से फैक्ट्री से वहाँ से डायरेक्ट माल ला के शहर वालों के लिए एक ऐसी अनोखी स्कीम लाए हैं जो बहुत बड़े बड़े महानगरों में ये स्कीम जो है चलती है। यहाँ पहली बार ये स्कीम आई है कि आपकी 2000 की ऊपर की खरीद पे 50% ये फाइनेंस है, वो भी फाइनेंस भी 0% पे है, वो आपके किस्तों के हिसाब से आपको उसे लिया जाएगा। वीरपाल जी जो कि प्रोपराइटर हैं कृष्णा साड़ी सेंटर गुजड़ी बाजार के, इन्होंने एक बड़ा अच्छा प्रयास किया है और शायद इस प्रयास का इनको फायदा कम है और आम जनता को ज्यादा है। खबर फरीदाबाद से, जहां भारी बारिश के चलते किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं, तो वहीं अब मंडियों में आने वाली सब्जियों के दाम आसमान छूते नजर आ रहे हैं। इसी पर सब्जी दुकानदार ने बताया कि बारिश के चलते मंडी में आने वाली सब्जियां महंगी हो गई हैं, जिसका असर आम लोगों पर देखने को मिल रहा है। सब्जियां बहुत महंगी हो रही हैं, बहुत ज़्यादा सब्जियां महंगी हो रही हैं, और इतनी 3 दिन के बरसात की वजह से काफ़ी सब्जियां महंगी हो गई हैं, बड़ी दिक्कत आ रही है सब्जी खरीदने में। पहले रेट की बात करें, पहले कितने थे अब कितने हो गए? पहले की अपेक्षा बहुत दुगने रेट हो गया। देखो, जितने भी सब्जियां हैं सभी के रेट ज़्यादातर बढ़ी गए हैं। जो हरी सब्जी है जो हम पहले ले रहे थे, एक हफ्ते रेट पहले कुछ और था, और अब जो देख रहे हैं वो बहुत रेट में बहुत चेंज आ गया। जहाँ तक है हरी सब्जियों में ज़्यादातर हर चीज़ पर रेट बढ़ गए, जैसे 10 रुपये ज़्यादातर हर चीज़ महंगी हो गई है। भाई, जो हरी सब्जी लोकल की है वो सारी महंगी हो गई है। मतलब ये है कि बारिश से फसल ख़राब हो जाती है ना, तो उस कारण थोड़ा रेट ज़्यादा हो जाते हैं, पीछे से कम आती है सब्जी, इसलिए महंगी होती है। कौन कौन सी सब्जी हैं जो अब ख़राब हो गई हैं और इस टाइम? धनिया ख़राब हो चुका है, पालक ख़राब हो चुका है, घिया तोरी जो सारी नीचे चीज़ लगती है ना ज़मीन पर, पेड़ वाले तो अगर थोड़ी बहुत बच जाती है, जो नीचे लगते हैं वो सारे ख़राब हो गए। सब्जी है, घिया है, घिया पहले 20 बिक रहा अब 30 बिक रहा है, पालक है मतलब 20 की 3 है,
मतलब एक गड्डी 10 रुपए की 8 रुपए की ऐसे पड़ रही है। अलीगढ़ में ऑपरेशन प्रहार के तहत थाना गभाना और क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 शातिर लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कब्जे से लूट के 2 लाख रुपए, कार और अवैध कारतूस भी बरामद किए हैं। थाना गभाना स्थित गौरव मोड़ पर स्थित एक जनसेवा केंद्र के संचालक द्वारा 112 को सूचना दी गई थी कि एक गाड़ी में 3 व्यक्ति उसकी दुकान पर आए और नोट बदलवाने के बहाने उसके दुकान पे स्थित कैश को लूट के चले गए। इस सूचना पर थाना पुलिस पहुंची और वादी की तहरीर के आधार पर 3 व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद मुकदमा पंजीकृत कराया गया। खबर फरीदाबाद से, जहां प्रॉपर्टी डीलर ने अज्ञात लोगों को सुपारी देकर उदयवीर को लाठी डंडे और सरिया से जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। साथ ही पीड़ित के काफी इलाज के बाद मौत हो गई। पीड़ित की पत्नी ने थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं घटना को संज्ञान में लेकर पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अन्य आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश जारी किए गए हैं। घटना 19 तारीख को 9:30 बजे एक राजा खान का नाम का आदमी उसको घर से बुला के ले गया। उसको प्लानिंग राजा खान की थी और इसमें मैटर राजू वर्मा का है। उसने उनको पैसे दिए मोमडनों को मारने के लिए। 6-7 मोमडन वहाँ इकट्ठे हुए हैं। मौके वारदात की वीडियो है जिसमें इसको वीडियो में बेहोश में मार रहे हैं और पुलिस ने कोई आदमी पकड़ा नहीं अभी तक। ये एक पहले 307 में मुकदमा दर्ज किया था जो कि लड़ाई झगड़े का था, लेकिन आज वो अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर हो गया, जिस वजह से वो 302 में कन्वर्ट करके उसको मुकदमे में तफ्तीश की जा रही है, जिसमें 3 मुलजिम अरेस्ट किए जा चुके हैं। 4 इन्होंने बाई नेम मुलजिम दिए थे। तो जो डेड बॉडी को एक्सपायर होने के बाद इनकी कुछ ये डिमांड पूरी करते हुए सभी को अरेस्ट करो, अब उन्होंने जाम हटा लिया है। खबर लखनऊ से, जहां विभूतिखंड थाने में पीड़ित महिला ने दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता ने बताया कि अपने पति से किसी बात को लेकर उसका विवाद चल रहा है। वहीं आरोपी ने काम करवाने के बहाने होटल बुलाया, उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 18 सितंबर 2022 को थाना विभूतिखंड अंतर्गत एक FIR दर्ज की गई थी 617/22, जिसमें मेन अभियुक्त था संदीप यादव। ये FIR 376 की धारा में दर्ज की गई थी। आज अक्यूज्ड की अरेस्टिंग हुई है। ये अरेस्टिंग पिकअप भवन के पास से हुई है थाना विभूतिखंड क्षेत्र अंतर्गत। और अक्यूज्ड का इतिहास, आपराधिक इतिहास 153/20 थाना आशियाना से, जिसमें FIR लगी थी, और 8/21 थाना सरोजनी नगर से, जो कि चार्जशीटेड है। अक्यूज्ड के साथ साथ उसकी 32 बोर की लाइसेंसी रिवॉल्वर भी बरामद हुई है और उसके साथ 2 जिंदा कारतूस भी मौके से बरामद हुए हैं। और इसमें आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर गोंडा जिले से है, के करनेलगंज से है, जहां शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन गाजे बाजे के साथ गायत्री माता मंदिर से भारत माता की शोभा यात्रा और कलश यात्रा निकाली गई, जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए दुर्गा पूजा पंडाल कैलाश बाग पहुंचा, जहां विधि विधान के साथ कलश का पूजन किया गया और भारत माता की आरती उतारी गई। आपको बता दें कि शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो चुका है। आज के दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा करने का विधान है। आज के दिन पहले विधि पूर्वक कलश स्थापना करते हैं, उसके बाद माँ दुर्गा का आवाहन स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। फिर 9 दिन तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है, जिसके बाद दुर्गा पूजा कमेटी कैलाश बाग के पदाधिकारियों के साथ कई नगरवासी शामिल रहे। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।